हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, वेब सोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड वेबेल सोलर का गाइस दिसंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड रिजल्ट्स आउट हो चुका है थर्ड क्वार्टर 9 मंथ एंडेड का, और एक अपडेट आया गाइस मिस्टर धर्मेंद्र सेठिया जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे कंपनी के, उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया जो कि 25 आज के दिन से ही इफेक्टिव होगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे, और गाइस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्वार्टर एंडेड को, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाली पोर्शन है क्वार्टर एंडेड का, ये 9 मंथ्स एंडेड का, और ये लास्ट फिनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स है। इनकम की बात करिए गाइस, आप लोग कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स को एनालिसिस कर रहा हूँ। इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को ऐड करके 53 लाख का, पिछले क्वार्टर में 30 लाख का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 92 लाख का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। जो कि इनकम हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को ऐड करके। एक्सपेंस है मटेरियल कॉस्ट में, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंजम्पशन, इन फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस के इन्वेंट्रीज में चेंज होना, पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिनांस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस को ऐड करके इस बार का एक्सपेंस है 7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5.5 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 10.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है, लेकिन लॉसेस हुआ 6.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5.2 करोड़ का लॉस है, और दिसंबर 22 क्वार्टर 9.9 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 100 करोड़ का गेन हुआ है, लॉस हुआ, जिसके कारण लॉसेस इंक्रीज कर गया 107 करोड़ पे, और पिछले क्वार्टर में 5.2 करोड़ का लॉस, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 11.2 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो 54.6 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 3.9 करोड़ का लॉस है, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 6.8 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रहा है। EPS -13.83 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइज, कंपनी का कॉन्सोलिडेट यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया है, बहुत ही वीक रिजल्ट कंपनी पेश किया, बहुत ही वीक देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात निकल के आई कंपनी का कि इसी क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में ही कंपनी जो है 600 मेगावाट का एक नया 600 मेगावाट का मोनो PERC सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और इसके साथ साथ 550 मेगावाट का मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी को करंट लोकेशन फाल्टा सेज में जो है इंस्टॉलेशन और कमीशन करने पर इंगेज है ये कंपनी थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर का डेटा है। और उसके बाद कंपनी जो है मार्च 2024 तक जो कि जो ट्रायल्स है सेल लाइन के लिए जो ट्रायल्स है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, और करेंटली अभी जैसे डिजायर्ड एफिशिएंसी को रैंप अप करने में करेंटली का बिजी है, और ये कंपनी जो है कॉमर्शियली जो है सेकेंड वीक मतलब फेब 2024 के सेकेंड वीक से जो है कैपेसिटी कॉमर्शियली जो है सेल करने का टारगेट रखा गया है, और मॉड्यूल लाइन जो है स्टार्ट किया जाएगा, इसके प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा मार्च 2024 से स्टार्ट करने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, अच्छा रिजल्ट देख सकती है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।